हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम। और आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गिटार को ट्यून क्यों किया जाता है। व्हाई वी नीड ट्यून अ गिटार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने गिटार को इन्वेंट किया, उन लोगों ने गिटार को इन्वेंट करते टाइम इसे प्रॉपर मैनर में ट्यून किया। ट्यून मीन्स एक ऐसी साउंड की जो हर जगह एक स्टैंडर्ड और कॉमन। दुनिया के किसी भी गिटार को अगर आप उठाते हैं तो जो ट्यून बाकी गिटारों के अंदर है, वही गिटार की ट्यून आपकी गिटार के अंदर हो, तो इसी को हम बोलते हैं गिटार को ट्यून करना। इट मीन्स जो गिटार बाकी लोग प्ले करते हैं, जो आप करोगे, दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और इसी सेम करने की प्रोसेस को हम अपने पास बोलते हैं ट्यूनिंग ऑफ गिटार। तो आज के डेट में ट्यून करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके, जिसमें से मॉडर्न तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक एप्लीकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मॉडर्नाइज तरीका है, आप सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो या एप्पल के iOS फोन्स को आप डिवाइस को यूज़ करते होंगे। तो मैं आज आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि जिससे आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एप्लीकेशन ट्यून करनी पड़ेगी, सॉरी एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है गिटार ट्यूनर, जो आपको ये डेमो दिखाया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, मैं आपको इस एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो गिटार ट्यूनर है वो ये है। इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा गिटार ट्यूनर खुल जाए। आपको थोड़ा अपोजिट दिखाई दे रहा हो क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से इसे शूट कर रहा हूँ। ये हमारे पास है गिटार ट्यूनर, बहुत ही सिंपल है। आपको मैं सिखाता हूँ इससे कैसे ट्यून करते हैं। नाम दे रखे हैं, सबसे पहले मैं ई पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ई पर क्लिक करने के बाद मैं अपने इस पिक से इस गिटार की इस स्ट्रिंग को प्रेस करूँगा। आप देख पा रहे हैं ये जो साइन है ये बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, जो इस टाइम नहीं है। इसे सेंटर पे लाने के लिए मुझे अपनी ट्यूनिंग कीज के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो मैं अपने पास एडजस्टमेंट करता हूँ। आप देख पा रहे हैं जैसे ही ट्यून हो जाएगा ये आपको इस तरीके से नजर आएगा। आप देखना, ये देखिए ये ट्यून हो गया, इस टाइम ये बिल्कुल सेंटर पे चल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जी, जी स्ट्रिंग पर हम इसे प्रेस करेंगे, बी पर प्रेस करेंगे, देन बी स्ट्रिंग को आप देख पा रहे हैं ये अभी भी बीच में नहीं, इसमें इट मीन्स ये ट्यून्ड नहीं है। अब इसे करने के लिए मैं अपने पास कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा। तो आप देखिए मैंने अभी इसे एडजस्ट करके ट्यून कर दिया और ये इस टाइम सेंटर पे आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ट्यून हो चुकी है। देन नेक्स्ट इज जी, इसे भी थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे अपने पास जिससे इसकी भी वॉइस क्लियर हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर जी को लेकर भी ये ट्यून बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हर स्ट्रिंग को ट्यून करिए। मैं आपको तीन और बची इन्हें और करके दिखाता हूँ। दूर है, इसे सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो सेंटर पे लाने के लिए आप एडजस्टमेंट करिए इसकी। ये देखिए मैंने इसे ट्यून कर दिया और ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है, ओके। देन नेक्स्ट इज ए, इसे भी हम एडजस्ट करेंगे अपने पास। ये देखिए हमारी ए स्ट्रिंग भी अपने पास एडजस्ट हो चुकी है। देन नेक्स्ट इज डी, जो है हमारे पास वो रेडी हो चुका है। और इस तरीके से हमने अपने इस पूरे गिटार को इस ऐप के थ्रू